आजमगढ़ बुढ़मपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि मड़ाना गांव में ग्रामीणों ने कोठेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोठेदार द्वारा अंगूठा तो समय से लगवा लिया जाता है, लेकिन राशन वितरण करने में अनियमितता बरती जाती है और साथ में राशन पूरी मात्रा में नहीं दिया जाता है। इसका विरोध करते हुए बुढ़मपुर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि यदि कोठेदार इस तरह से मनमानी करेगा तो हम लोग राशन लेने नहीं जाएंगे, अथा आप दूसरे कोठेदार को वहां नियुक्त किया जाए, कोठेदार से कोठे को अटैच किया जाए या तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए जिससे हम सभी को न्याय मिल सके और समय समय पर सही तरीके से राशन मिल सके। इस मौके पर अर्जुन कुमार, रमेश चंद, दिनेश मौर्य, लक्ष्मी नार, रेणु देवी, श्यामापुरी, भवानी, शिवम शारदा, अनुभव, चंद्रकला, अनर्मी, बालचंद्र, रोहित, राजेश्वर, दिनेश मौर, प्रमोद कुमार, सरदे आलम, नीरज कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं संतोष मिश्र की रिपोर्ट बुढ़मपुर से। कहाँ गाँव? गाँव मरना। मरना क्या समस्या है? समस्या हुआ कोटेदार राशन ना दे था मैं। हाँ जा अंगूठा लगावा, कहीं आज अंगूठा लगावा, बिहान ले जाया, बिहान के कहा परसों आया, ये बात क्या? रमेश चंद्रगढ़। कहाँ घर है? मरना। क्या समस्या है? समस्या है साहब, राशन नहीं देता, अंगूठा लगवा लेता है, अंगूठा लगा गायब हो जाता है, उसकी बीवी घर पर रहती है। शिकायत आप लोग की है? हाँ, वहाँ पर जाते हैं तो कहती है ज्यादा तुम लोग ज्यादा करोगे तुम लोगों को फंसवा देंगे। हमारी यहाँ लड़कियाँ देखने आती हो क्या? ओम प्रकाश यादव, अरोला मुबारकपुर। किस गांव का मामला है? मंडा मुबारकपुर ग्राम सभा है। क्या मामला है? मामला यही कि राशन जो है सबसे अंगूठा लगवा करके 4-6 महीने से सबको राशन नहीं दे रहा है। कोटेदार का नाम क्या? कोटेदार का नाम है गया प्रसाद यादव। इससे शिकायत इसके पल की गई है? अरे सारे लोगों से की गई है, जिलाधिकारी से की गई है, SDM से की गई है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई। एक क्या चाह रहे हैं आप लोग? कोटा निरस्त हो जाए? कोटा निरस्त हो जाए, जहन्नम में चला जाए, लेकिन सारे लोगों को राशन मिलना चाहिए।